कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मुझे बताया गया था हम चर्चा करेंगे चतुर्थ स्कंद अध्याय 30 श्लोक क्रमांक 41, 430-41, इज दैट राइट? यस प्रभु ठीक है, चर्चा प्रारंभ करते हैं। टेक्स्ट 41। मनु स्वयंभूर भगवान भवश्च नियन्नेत ज्ञान विशुद्ध सत्वा अदृष्ट पाराभियन महिमना सुवन्नत्यथोत्वात्म समम कृणीमम। जी, अक्रूर प्रभु ट्रांसलेशन पढ़िए। अनुवाद। हे भगवान, तप तथा ज्ञान में अत्यंत उन्नत बड़े बड़े योगी तथा शुद्ध सत्व स्थित अध्यात्मवादियों के साथ साथ मनु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुष भी आपकी महिमा तथा शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझ पाते, फिर भी वे यथाशक्ति आपकी प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार यद्यपि हम इन महापुरुषों से काफी शुद्ध हैं, फिर भी हम अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेगा? भूमिका माता जी, परपोट। तात्पर्य, ब्रह्मा शिव विष्णु मानव जाति का जनक, परम साधु पुरुष तथा बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने अपनी तपस्या तथा भक्ति के बल पर उच्च स्थान प्राप्त किया है, भगवान की तुलना में ज्ञान में अधूरे हैं। इस संसार के सभी प्राणियों के साथ ऐसा ही है। कोई मनुष्य किसी भी वस्तु में, विशेष रूप से ज्ञानी में, परमेश्वर के साक्षात्कार नहीं हो सकता। फलतः भगवान के प्रति की गई किसी भी प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना पूर्ण नहीं होती। परमेश्वर की पूर्ण महिमा को, एक सेकेंड, परमेश्वर की पूर्ण महिमा को माप पाना असंभव है, क्योंकि वह अनंत है। भगवान भी अपने अनंत अर्थात शेष अवतार के रूप में अपनी महिमा का वर्णन कर सकने में असमर्थ है। यद्यपि अनंत के हजारों मुख हैं और वे अनेक वर्षों से भगवान की महिमा का गान करते रहे हैं, किंतु वे भी भगवान की महिमा का अंत नहीं पा सके। इस प्रकार परमेश्वर की शक्तियों एवं महिमा का अनुमान लगा पाना असंभव है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान की प्रार्थना करता कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने एक सापेक्ष पद में स्थित है, इस कारण भगवान की महिमा का बखान करने में कोई भी सक्षम नहीं है। ब्रह्मा तथा शिव से लेकर हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का दास है। हम सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सापेक्ष पदों पर स्थित हैं, फिर भी भगवान की महिमा को पहचानते हुए हम अपने अपने हृदय तथा आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम यही हमारी सिद्धि है, घोर अंधकार में रहकर भी मनुष्य को यथाशक्ति भगवान से प्रार्थना करने की अनुमति है। अतः भगवद गीता में कहते हैं, माम हि पार्था व्यपाशित्य ये अपि स्यु पापे पापयो नय स्त्रियो वैश्यस्था शूद्रा स्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, मेरी शरण आकर तो निम्नतर योनि वाले स्त्री, वैश्य तथा शूद्र भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई निष्ठापूर्वक भगवान के चरण कमलों को धीरता के साथ स्वीकार करता है, तो वह भगवान तथा भगवान के दास की कृपा से शुद्ध हो जाता है। भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है, ये अन्ये न पापा यत पाश याश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। जो भगवान के दास अर्थात गुरु के प्रयास से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, वह भले ही निम्न कुल में क्यों ना जन्मा हो, तुरंत शुद्ध हो जाता है। वह अपने वर भगवान भगवत धाम वापस जाने के योग्य हो जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यहाँ आप सब इस चीज से अवगत हैं कि ये प्रार्थना है कौन कर रहे हैं? प्रचेताओं की तपस्या के पश्चात भगवान के सामने प्रकट हुए हैं। और यहाँ वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि
अपनी क्षमता के अनुसार वे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की महिमा का गुणगान कोई नहीं कर सकता क्योंकि अनंत है। और वास्तव में ये देखा जाता है कि हम हमारी क्षमता के अनुसार ही जो है भागवत धर्म समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म की शिक्षाएं हैं इतनी विस्तार है, इतनी विस्तारित हैं, इतना कुछ है उसमें कि अगर केवल जानकारी के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो उसी में हम लोग फंस जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि बाहर के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो धर्म जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसका नतीजा ये निकलता है, परिणाम ये निकलता है कि वह नास्तिक बन जाते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सबसे आखिरी में बताया गया है कि गुरु की कृपा के अनुसार फिर एक जो व्यक्ति है वो भक्ति का पालन कर सकता है और अपनी क्षमता के अनुसार भगवान का साक्षात्कार उसको मिलता है। महत्वपूर्ण उदाहरण श्री प्रभुपाद इस विषय में देते हैं कि जैसे कि कोई पक्षी है वो अपनी क्षमता के अनुसार आकाश में उड़ता है, कोई धरती से थोड़ा ऊपर, कोई थोड़ा उसके और ऊपर। अब कुछ पक्षी ऐसे हैं कि एकदम आसमान तक उड़ते हैं, आसमान की जो चरम सीमा है वहां तक उड़ते हैं। तो अगर हम केवल जानकारी के आधार पर भक्ति करेंगे तो उसमें हम फंस जाएंगे, लेकिन हमारी क्षमता के अनुसार ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम जैसे कि तात्पर्य हमने पढ़ा कि हम सापेक्ष पद पर स्थित हैं, सीमित हैं, तो सब कुछ हम नहीं जान सकते। और क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कभी कभी कि ये होता तो वो कैसे होता, ऐसा होता तो वैसा कैसे होता, तो हमारी बुद्धि बहुत सीमित है तो हम सब कुछ नहीं जान सकते धर्म की शिक्षाओं से संबंधित। अगला श्लोक, नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। जी यमुना माता जी, यमुना रानी माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हे भगवान, आपके न तो शत्रु है न मित्र, अतः आप सबके लिए समान है। आप पाप कर्मों के द्वारा कलुषित नहीं होते और आपका दिव्य रूप सदैव भौतिक सृष्टि से परे है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि आप सर्वव्यापी है, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, तात्पर्य पढ़िए। कौन जय माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कहलाते हैं, क्योंकि वे सर्वत्र निवास करते हैं। वस शब्द का अर्थ है बसना या निवास करना। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एको अप्यसो रचयितुम जगदंड कोटिम। श्री भगवान अपने स्वांशों द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। परमाणु चयांतर स्थम सर्वत्र रहने के कारण भगवान वासुदेव कहलाते हैं। इस भौतिक जगत में सर्वत्र रहते हुए भी वे प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते। अतः श्री ईशो उपनिषद में श्री भगवान को अपाप विद्धम कहा गया है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। जब श्री भगवान इस ग्रह पर अवतरित होते हैं तो वे अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वे असुरों को मारते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिनकी अनुमति वेद नहीं देते, अर्थात जिन्हें पाप पूर्ण माना जाता है। यद्यपि वे इस प्रकार के कार्य करते हैं, किंतु अपने कर्म से वे कभी दूषित नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर उन्हें शुद्ध कहा गया है, जिसका अर्थ है कल्मष से सदैव रहित। श्री भगवान सम भी है, अर्थात सबके प्रति सम दृष्टि रखने वाले। इस संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। अर्थात श्री भगवान का ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, वे सबके लिए समान सम है। सत्वाय शब्द सूचित करता है कि श्री भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं है, यह सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर हमारे भौतिक शरीर से भिन्न होता है। कोई यह ना सोचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी हमारे जैसा भौतिक शरीर है। हरे कृष्ण, तो यहाँ क्या बताया गया है, श्री प्रभुपाद तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि जो नियम इस भौतिक जगत में है वह भगवान के व्यक्तित्व पर लागू नहीं होते। कई बार ऐसा कहा जाता है, इवन बाहर के जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक हैं वो केवल भगवान को एक असाधारण मनुष्य मानते हैं, कि कुछ ऐसे उनमें गुण थे जो मनुष्यों में नहीं हो सकते इसलिए वह भगवान। वास्तव में केवल उनमें दिव्य गुण नहीं थे, लेकिन इस भौतिक जगत के जो नियम हैं जो एक जीवात्मा या एक देवता पर लागू होते हैं, भगवान उससे भी ऊपर है। ईशोपनिषद का यहाँ प्रमाण दिया गया, शुद्धम अपाप विद्धम।
तो ये जब आप भक्ति शास्त्री आप में से कुछ भक्त करेंगे तब इस पर और विशेष जो विस्तार से चर्चा इसमें भगवान के स्वभाव पर ईशोपनिषद में की जाएगी। श्लोक क्रमांक 43, इति प्रचेतो भिराविष्टुतो हरि प्रीतस्त तथेया शरण्य वत्सल अनिच्छताम या नम तृप्त चक्षुषाम ययो स्वधामान पवर्ग वीर्यः। प्रमोदानंद प्रभु अनुवाद पढ़िए। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार प्रचेताओं द्वारा संबोधित तथा पूजित होकर शरणागतों के रक्षक भगवान ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वह पूरा हो। तत्पश्चात कभी ना प्राजित होने वाले भगवान से ने विदा ली। प्रचेतागण उनसे विले विलग नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें जी भर कर उन्हें देखा था। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। ओके तात्पर्य पढ़िए नीतू माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, इस श्लोक में अनपर्वगर्वीय वीर शब्द महत्वपूर्ण है। अन का अर्थ है बिना, पवर्ग का अर्थ भौतिकतावादी जीवन शैली तथा वीर का अर्थ है शक्ति। भगवान की शक्ति में छह मूल ऐश्वर्य हैं, जिनमें एक विरक्ति है। यद्यपि प्रचेता भगवान को जी भरकर देखना चाहते थे, किंतु भगवान चले गए। शिवजीव गोस्वामी के अनुसार ये अन्य असंख्य भक्तों के प्रति उनकी दया का प्रदर्शन है। यद्यपि प्रचेता उनके प्रति आकृष्ट हो रहे थे, किंतु वे चले गए, ये उनकी विरक्ति का सूचक है। ऐसी विरक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखलाई थी, जब वे संन्यास हो लेकर अद्वैत प्रभु के साथ रह रहे थे। वहां के सभी भक्त चाह रहे थे कि वे कुछ दिन और रुके, किंतु महाप्रभु बिना हिचक के वहां से चले गए। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि भगवान अपने भक्तों के प्रति अपार दया भाव रखते हैं, किंतु वे किसी से लिप्त नहीं होते। वे सृष्टि भर के अपने समस्त भक्तों का समान रूप से दयालु है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है कि भगवान भले ही भक्तों पर भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, लेकिन फिर भी वह आसक्त और लिप्त नहीं होते और समान दया सब पर करते हैं। इसमें ये भी सीख सकते हैं कि भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं लेकिन हमेशा भी उनके साथ नहीं रहते। ऐसा क्यों? इसका उदाहरण पहले स्कंद में अगर आपको स्मरण हो तो आया है। किसको पता है किसके साथ ऐसा हुआ था कि भगवान आए थे फिर कुछ समय बाद चले गए? भगवान को जब नारद भक्त के मुनि, दर्शन हुए। जी नारद मुनि। कौन बोला ये? हाँ शिवानी। जी माता जी बिल्कुल सही। तो नारद मुनि को भगवान के दर्शन हुए फिर भगवान वहां से चले जाते हैं, इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं नारद मुनि की उत्सुकता बढ़ाने के लिए। और वास्तव में जब भगवान के दर्शन किसी को होते हैं, वो सान्निध्य किसी को प्राप्त होता है, तो आप कोई भी उदाहरण देखें, चाहे वो ध्रुव महाराज हो, नारद मुनि हो, और यहाँ पे प्रचेता हैं, और भागवतम में भी अलग अलग स्थानों पर बहुत उदाहरण आए हैं। तो जब कोई भगवान के दर्शन करता है तो वो संतुष्ट हो ही नहीं पाता है, और भगवान जब चले जाते हैं वहां से तो उसके पश्चात अब इस भौतिक जगत की कोई भी उपलब्धि या कोई भी रूप उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। ऐसा नारद श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि जब कोई भगवान के दर्शन कर लेता है अब भौतिक जगत का कोई भी वस्तु, कोई भी उपलब्धि, स्त्री को पुरुष का रूप, पुरुष को स्त्री का रूप, जिससे सब आकर्षित रहते हैं, उसकी वजह से फंसे हुए हैं, परेशान हैं मतलब, लेकिन जब भगवान का सान्निध्य किसी को मिला, वो आध्यात्मिक रस किसी को मिलता है, तो फिर उसको इस दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, और वास्तव में हमें यह प्रयास करना चाहिए या हमें ये अनुभव आना चाहिए भगवान के दर्शन का, भगवान की कथा का। तो जैसे जैसे भगवान की सेवा के माध्यम से हमें इसका दर्शन होगा तो भौतिक जगत की वस्तुएं हमें स्वतः ही स्वादहीन लगने लगेंगी। दे बिकम टेस्टलेस बिकॉज वी बीइंग रेसिपिएंट ऑफ द हायर टेस्ट। काफी मुश्किल होता है ये, लेकिन प्रयास के माध्यम से संभव है। श्लोक क्रमांक 44, अथ निर्याय सलिला प्रचेतस उदन्वतः वीक्ष्या वीक्षकोप्यन ध्रुवमैश्चान गाम गाम रोद्धुमिव छोत्रितैः। जी अरविंद प्रभु अनुवाद पढ़िए। तत्पश्चात सभी प्रचेता
समुद्र के जल से बाहर निकल आए, तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी स्थल पर सारे वृक्ष बढ़कर काफी ऊंचे हो चुके हैं, मानो वे स्वर्ग के मार्ग को रोकना चाहते हों। इन वृक्षों ने सारे पृथ्वी तल को आच्छादित कर रखा था। उस समय प्रचेता अत्यंत कुपित हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तात्पर्य पढ़िए मंजू माता जी। तात्पर्य, राजा प्रचिन बहिर्जीत अपने पुत्र प्रचेताओं द्वारा तपस्या पूरी करके लौटने के पूर्व भी अपना राजपाट छोड़कर चले गए थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इन पुत्रों को अर्थात प्रचेताओं को जल से बाहर निकालकर अपने पिता के राज्य में जाकर प्रजा की रक्षा करने का आदेश दिया, किंतु जब वे जल से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि राजा की अनुपस्थिति में सब कुछ अपेक्षित हो गया था। सर्वप्रथम उन्होंने देखा कि कृषि कार्य बंद हो जाने से खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं हो रहा था। वस्तुतः सारा पृथ्वी ऊंचे ऊंचे वृक्षों से लगभग ढका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये वृक्ष स्वर्ग जाने वाले रास्ते को रोककर खड़े हो। जब प्रेचेताओं ने पृथ्वी की सतह को इस तरह प्रकार से ढका हुआ देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। उनकी इच्छा थी कि फसलों के लिए भूमि साफ कर ली जाए। यह सत्य नहीं है कि जंगल तथा वृक्ष बादलों तथा वर्षा को आकर्षित करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि समुद्र के ऊपर भी वर्षा होती है। मनुष्य पृथ्वी के जंगल को साफ करके तथा भूमि को कृषि के योग्य बनाकर कहीं भी रह सकते हैं। लोग गाय रख सकते हैं और इस तरह सभी प्रकार के आर्थिक सुलझाए जा सकती हैं। मनुष्य को केवल अनाज उत्पन्न करने हेतु काम करना होगा और गायों की रक्षा करनी होगी। जंगलों की लकड़ी झोपड़ी बनाने के काम में लाई जा सकती। इस प्रकार मनुष्य की आर्थिक समस्या सुलझाई जा सकती है। इस प्रकार संसार भर में निर्जन भूमि पड़ी है, जिसका यदि समुचित उपयोग किया जाए तो अन्न का अभाव ना हो। जहां तक वर्षा का प्रश्न है, यज्ञ संपन्न करने से वर्षा होती है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अन्यात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यान अन्न पर्जन्यान संभवा यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्र भवः। सभी प्राणी अन्न पर निर्भर रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ स्वधर्म से उत्पन्न है। यज्ञ करने से मनुष्य को प्रचुर वर्षा तथा अन्न प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। यहाँ वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं कि प्राचीन परिषद महाराज प्राचीन परिषद पुत्रों से के लौटने से पूर्व ही राजपाट अपना छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए भगवान प्रचेताओं को राज्य संभालने का आदेश देते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि महाराज प्राचीन परिषद ने इंतजार नहीं किया कि मेरे जब बच्चे आएंगे तब मैं राजपाट छोड़ के निकलूंगा। नारद मुनि की शिक्षा से नारद मुनि ने प्रचेताओं को शिक्षा दी और फिर नारद मुनि ने प्राचीन परिषद को शिक्षा देके उनको जो है वैराग्य के लिए प्रेरित किया। तो इंतजार नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी आसक्ति उस प्रकार से नहीं थी। बाकी जो भौतिकवादी लोग हैं वो इतना चिंतित रहते हैं अपनी अपनी घर गृहस्थी को लेके, अपने जो भी संपत्ति जो भी इकट्ठा किया है उनके जीवन में, कि जैसे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति वो हों। लेकिन वास्तव में वैदिक सभ्यता इस प्रकार थी कि जैसे ही जब किसी को प्रेरणा मिली अपनी जिम्मेदारियां पूरा करके, फिर भगवान की नित्य सेवा में पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगने का सब प्रयास किया करते थे। और ये कौन है, ये कोई ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं है महाराज प्राचीन परिषद कि घर पे खाने वगैरह नहीं है इसलिए वो जंगल में चले गए। ये संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं। तो ये यहाँ शिक्षा सब सबको लेनी चाहिए यहाँ से कि हम इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि अगर हम रहेंगे उसी से हमारा जो है संसार चलेगा। कई बार लोग बोलते हैं, ये व्यक्तिगत अनुभव हमको, कि अगर सब दुनिया के सब लोग आपके जैसा सोचने लगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? सब आपके जैसे मंदिर में चले जाएं तो क्या होगा? अभी तत्व रूप से तो बात की बात है, ये लोग इस प्रकार से चिंता व्यक्त कर रहे हैं जैसे कि ब्रह्मा जी ने इन्हीं से कहा था दुनिया में प्रजनन करने के लिए और सृष्टि चलाने के लिए इनके ऊपर जिम्मेदारी आई है कि नहीं? कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज से, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है लोगों को कि संपूर्ण सृष्टि का भार उन्हीं के ऊपर है। ये नहीं समझते कि वो इस सृष्टि पर भार है कि नहीं? वो इस धरती पर बोझ है। तो प्रकृति चाह रही है कि ऐसे लोग ना रहें,
उन्हें लगता है कि पूरी सृष्टि जो है उनको चलानी, तो इतना समझते नहीं है लोग। और तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं किस प्रकार बहुत ही सादा जीवन जीकर जो है अन्न उगाकर और गो रक्षा करके जिया, मतलब जीवन यापन करा जा सकता है। हम आधुनिक जगत में देख रहे हैं जितना ज्यादा शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, सो कॉल्ड शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो उसमें जो जीवन की जरूरतें हैं उनका स्तर और गिरता जा रहा है। पहले घर के आसपास लोगों को जो है व्यापार या जो काम है वो मिला करता था, फिर जब से कंप्यूटर्स आए तो और बाहर जाने लगे लोग, है कि नहीं। आदमी की बुद्धि कम पड़ रही थी तो वो कंप्यूटर की बुद्धि से काम करने लगा, कंप्यूटर की बुद्धि भी कम पड़ने लगी तो भी मैकेनिकल इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। और बाहर जितना जा रहे हैं लोग, बाहर रहते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन जीवन के जो जो है बहुत साधारण अंग हैं, खाना पीना, अनाज, परिवार के साथ समय बिताना, वो सब नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए वो फिर छुट्टियां बिताने के लिए गांव में जाते हैं अलग अलग। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जहां भी हम रहें बहुत साधारण रूप से हम जीवन यापन करना हमें आना चाहिए, है कि नहीं। तो अभी लोगों के पास मतलब सब कुछ, सारे साधन होते हुए भी जो वास्तविक समृद्धि है, अन्न दूध ये सब फिर भी नहीं। ऐसा बड़े शहरों में देखा जाता है, अगर आप में से कुछ वहां पे रहे होंगे, मेट्रोज में हम रहे हैं, तो कहीं कुछ खाने नहीं मिलता है, कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। केवल क्या है, खाने के लिए उनके पास खुद का लैपटॉप है, डेटा है हार्ड ड्राइव में खाने के लिए, उससे उनका काम चल सकता है, लेकिन पैसा कमा सकते हैं लेकिन जीवन यापन नहीं कर सकते, है ना। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सी शार्प, रूबी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन लोगों को जीवन यापन करने के लिए संसाधन उनके पास नहीं रहते बाहर। ऐसा विदेश में भी हमको अनुभव हुआ कि बहुत धन है लोगों के पास, बहुत संसाधन है, ये रस्ते पे निकले और अगर कुछ आपको खाने को चाहिए तो वो मिलता नहीं, किलोमीटर किलोमीटर तक आपको पानी ही नसीब नहीं हो। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए कहा करते थे कि ऐसा, ऐसी प्रगति से क्या लाभ, है कि नहीं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत क्रांतिकारी हैं। श्रील प्रभुपाद उसमें जीवन शैली बता रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कल्चरल रेवोल्यूशन, जीवन शैली कैसे अपनानी है वो बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 45, ततो अग्नि मारुतौ राजन न मुंचित मुखतो रुषा महिम निर्विरुद्धम कर्तुम संवर्तक एवात्यय। जी राहुल प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हे राजन, प्रलय के समय शिव जी क्रोध में आकर अपने मुख से अग्नि तथा वायु छोड़ते हैं। प्रचेताओं ने भी पृथ्वी तल को पूर्णतः वृक्ष रहित करने के लिए अपने मुखों से अग्नि तथा वायु निकल। जी ओके, अभी तात्पर्य कौन पढ़ेगा, प्रभु कौन है भाई? हाँ गौरी शंकर, वो आप पढ़ लो, आप तो पढ़ी लो, पढ़िए पढ़िए। जी, हरे हाँ कृष्ण जी प्रभु पढ़िए जी। लो। हरे कृष्ण। इस श्लोक में विदुर को राजन कर संबोधित किया गया है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, प्रभु जी ऊपर करना थोड़ा, हाँ ठाकुर की टीका है कि धीर कभी कुपित नहीं होता क्योंकि वह सदा भक्ति में स्थित रहता है। क्योंकि महान भक्त अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, अतः भक्तों को राजन कहकर संबोधित किया जा सकता है। राजा प्रथा को वश में करके कई प्रकार के अपना शासन चलाता है। इसी प्रकार जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके वह अपनी इंद्रियों का राजा है, वह स्वामी या गोस्वामी है। स्वामी तथा गोस्वामी को कभी कभी महाराज कहकर संबोधित किया जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ विदुर को जो राजन संबोधित किया जा रहा है, हस्तिनापुर का राजा नहीं बल्कि इंद्रियों पर उनका दमन है, उनका नियंत्रण है, इसलिए उनको उनकी तपस्या और शक्ति की वजह से राजन कहकर संबोधित किया जा रहा है। ओके, श्लोक क्रमांक 46, भस्म सत् क्रियमाणानां स्तान द्रुमान वीक्ष्य पितामह आगतः शमयामास पुत्रान बर्हिष्मतो नहिः। जी अपन है आयुष प्रभु, पढ़ो ट्रांसलेशन। यह देखकर कि पृथ्वी के सारे वृक्ष जलकर राख हो रहे हैं, ब्रह्मा तुरंत राजा बहिष्मान के पुत्रों के पास आए
और उन्होंने तर्कपूर्ण शब्दों से उन्हें शांत किया। हाँ, तो वृक्षों सारी वृक्षों का जो समाज था वो प्रचेताओं ने अपनी योग शक्ति से मिटाने का प्रयास कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी आकर उनको शांत करते हैं। जी तात्पर्य पढ़िए, हरिप्रिया माता जी तात्पर्य पढ़िए। जब भी किसी लोक में कोई असामान्य घटना घटती है तो सारे संसार के प्रभारी होने के कारण ब्रह्मा जी तुरंत स्थिति पर काबू पाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी तब भी आए थे जब हिरण्यकश्यपु ने अपनी कठिन तपस्या से सारे ब्रह्मांड को हिला दिया था। किसी भी संस्थान का जिम्मेदार व्यक्ति अपने संस्थान में शांति तथा समन्वय बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड के भीतर शांति बनाए रखने की अनुमति दी जाती है। फलतः उन्होंने राजा बहिष्मान के पुत्रों को युक्ति संगत तर्क से शामिल किया। हरे कृष्ण, यहाँ महत्वपूर्ण तर्क श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। किसी संस्थान का जो सचिव है, शांति बनाए रखना उनका कर्तव्य होता है। जहां अभी तो हम देखते हैं वैदिक इतिहास में, जहां भी कुछ गड़बड़ होने वाली होती है या कुछ बड़ा घटने से पहले ब्रह्मा जी वहां पहले पहुंच जाते हैं, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति की ये निशानी है, कुछ बड़ा होने से पहले। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड इंग्लिश और कॉर्पोरेट वर्ड नोन एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ये जो लीडरशिप पोजीशन पे जो हैं या जो जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे घर की चाहे मंदिर में सेवाओं की, ये चीज करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये चीज करना आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यहाँ पर शिल प्रपा तात्पर्य बता रहे हैं कि जहां भी विवादास्पद कोई घटना हो रही हो तो वहां पर लोगों को शांत करना, ये बहुत महत्वपूर्ण। जी श्लोक क्रमांक 47, तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा उज्जिहुरस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयं भुवः। जी बचे हुए वृक्षों ने प्रचेताओं से डरकर ब्रह्मा की राय से अपनी कन्या को लाकर तुरंत उन्हें दे दिया। तो ये हाँ, शांत करने का ये वैदिक इतिहास में बहुत तरीके बताए गए हैं। नवे स्कंद में भी ऐसी कथा आएगी कि शांत करने के लिए च्यवन मुनि को एक राजा अपनी कन्या दे देते। ओके तात्पर्य पढ़िए, कौन? रेखा माता जी तात्पर्य पढ़िए। इस अध्याय के 13वें श्लोक में वृक्षों की कन्या का उल्लेख हुआ है। यह कन्या कुंडू तथा परमलोचा से उत्पन्न हुई थी। परमलोचा अप्सरा इस शिशु को जन्म देने के बाद तुरंत स्वर्लोक चली गई। शिशु को रोते देखकर चंद्रलोक के राजा को उस पर दया आ गई और उसने उसके मुंह में अपनी अंगुली डालकर उसके प्राणों की रक्षा की। वृक्षों ने इस कन्या का पालन पोषण किया और जब वह बड़ी हो गई तो ब्रह्मा के आदेश से उन्होंने उसे लाकर प्रचेताओं की पत्नी रूप में सौंप दिया। इस कन्या का नाम मारिशा था, जैसा कि अगले श्लोक में व्याख्या की जाएगी। वृक्षों के प्रमुख देव ने लाकर कन्या सौंपी। इस प्रसंग में श्री जी गोस्वामी का कथन है, वृक्षा तद अधिष्ठात देवता। वृक्षों का अर्थ उन वृक्षों का अधिष्ठाता देव है। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जल का एक अधिष्ठाता देव होता है, इस प्रकार वृक्षों का भी एक अधिष्ठाता देव होता है। प्रचेतागण समस्त वृक्षों को भस्मसात किए जा रहे थे क्योंकि वे वृक्षों को अपना शत्रु मान रहे थे। प्रचेताओं को शांत करने के लिए ब्रह्मा की राय से वृक्षों के प्रमुख देव ने पुत्री मारिशा को उन्हें सौंप दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 48, तेजे ब्रह्मण आदेशान मारीशाम मुपये मेरे यस्याम महदवज्ञानात् जन्य जनयो निज। कौन है भाई? हाँ जी अंकित प्रभु अनुवाद पढ़िए। ब्रह्मा के आदेश से समस्त प्रतिष्ठाओं ने उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कन्या के गर्भ से ब्रह्मा के साथ दक्ष ने जन्म लिया। दक्ष को मारीच के गर्भ से इसलिए जन्म लेना पड़ा क्योंकि उसे महादेव जी शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन किया तथा अनादर किया था। फलतः उसे 2 बार शरीर त्याग करना पड़ा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो प्रजापति दक्ष जो उस समय थे, वो उस समय अब प्रचेता और मारीशा मारीशा के घर पे यहाँ पर उनका जन्म होता है। अरे टाइम हो गया है, ठीक है कोई तात्पर्य ये जल्दी पड़ेगा। अनीता माता जी तात्पर्य पढ़ लीजिए बल। इस प्रसंग में अवज्ञाना शब्द महत्वपूर्ण है। राजा दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे, अतः पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, किंतु महादेव जी का अपमान या अनादर करके ब्राह्मण की तरह आचरण करने के कारण उन्हें क्षत्रिय के वीर से जन्म लेना पड़ा।
अर्थात वे प्रजेताओं के पुत्र बने। यही नहीं, शिव का अनादर करने के कारण उन्हें स्त्री के गर्भ में जन्म धारण करने का कष्ट सहना पड़ा। एक बार वे शिवजी के अनुचर वीरभद्र द्वारा दक्ष की यज्ञशाला में मारे गए। इतना काफी न था, अतः उन्हें फिर से मारीचा के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। दक्ष यज्ञ तथा विध्वंसक घटनाओं के अंत में दक्ष ने शिव जी की प्रार्थना की, यद्यपि उन्हें शरीर त्याग कर क्षत्रिय के वीर से गर्भित स्त्री के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, किंतु शिव जी की कृपा से उन्हें सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। ये भौतिक प्रकृति के सूक्ष्म नियम है। दुर्भाग्य उस आधुनिक युग के लोग नहीं जानते कि ये नियम किस प्रकार चलते हैं। आत्मा की अमरता तथा उसके देहांतर का कोई ज्ञान न होने से आजकल सारी जनता घोर अज्ञान में है। इसलिए भागवत में कहा गया है, मंदा समुद्र मतयो मन भाग्य पदुता। इस कलयुग के सारे लोग अरे दुष्ट आलसी अभागे तथा भौतिक परिस्थितियों से शुभ रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण, तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद महत अवज्ञानात् इस पर पूरा विश्लेषण दे रहे हैं कि जब महत या भक्तों की, भगवान के भक्तों की अवहेलना की जाती है, उनका निरादर किया जाता है, अपमान किया जाता है, या उन्हें दुखी किया जाता है, त्रस्त किया जाता है, असंतुष्ट किया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है? भगवान इससे बड़े कुपित होते हैं, और इसलिए दक्ष को प्रजापति होने के बावजूद उनको मनुष्य समाज में क्षत्रिय के वीर से जन्म लेना पड़ा। हालांकि ये बहुत उन्नत स्थान है, लेकिन वो बहुत उन्नत पद पर थे, प्रजापति थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, और ब्रह्मा के पुत्र से सीधा उनको इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान जो है हमको भक्त समाज में रखना चाहिए कि हम कभी भी भक्तों को कुपित ना करें। ओके, श्लोक क्रमांक 49। चक्षुषेत्वंतरे प्राप्ते प्राक सर्गे काल विद्वते यह ससर्ज प्रजा ईश सदक्षो दैव चोदिता। ओके, ओजस्विनी माता जी अनुवाद पढ़िए। उसका पूर्व शरीर विनष्ट हो चुका था, किंतु उसी दक्ष ने परमेश्वर की प्रेरणा से चक्षुष मन्वंतर से समस्त मनवांछित जीवों की सृष्टि की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, तात्पर्य पढ़िए प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 8.17 में कहा गया है, सहस्त्र युग पर्यंतम अरे ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्राम ते हौरा रात्रि विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 1,000 युग है, और इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। ब्रह्मा के एक दिन में चारों युगों सत्य त्रेता द्वापर तथा कली के 1,000 चक्कर लगते हैं। उस दिन एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं, और इन मन्वंतरों में यह चाक्षुष मन्वंतर छठा है। ब्रह्मा के एक दिन में विभिन्न मनु इस प्रकार होते हैं, स्वयंभू स्वयंभू चरोसिस उत्तम तामस रेवत चाक्षुष वैवस्वत सावर्णी दक्ष सावर्णी ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक वर्ष में 5,040 मनु होते हैं। ब्रह्मा को 100 वर्ष जीवित रहना होता है। फलतः ब्रह्मा के जीवन में कुल मनुओं की संख्या 5,04,000 होती है। 5 लाख नहीं, 50 50, 5,40,000 4,000 हो जाती है। यह गणना एक ब्रह्मांड की है, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। ये समस्त मनु महाविष्णु की श्वास क्रिया द्वारा आते जाते रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्य कनिश्चित काल मथावलंब्य जीवंती लोम विलिया जगदंडनाथा विष्णु महान स इह यस्य कला विषयो गोविंदम आदिम पुरुषम तमहम भजामि। जगदंडनाथ का अर्थ है ब्रह्मा है, ऐसे असंख्य जगदंड ब्रह्मा है। अतः हम अनेक मनुओं की गणना कर सकते हैं। यह वर्तमान युग वैवस्वत मनु के नियंत्रण में है। प्रत्येक मनु 43,20,000 x 71 वर्ष तक जीवित रहता है। वर्तमान मनु पहले ही 43,20,000 x 28 वर्ष पूरा कर चुका है। अंत में इन सारे दीर्घ जीवनों का भौतिक प्रकृति के नियमों से अंत आ जाता है। दक्ष यज्ञ का विवाद स्वयंभू मन्वंतर काल में हुआ, फलस्वरूप शिव ने दक्ष को दंडित किया, किंतु शिव की स्तुति करके उसने पुनः अपना पूर्व ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया।
सील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार दक्ष के पांचवें मन्वंतर तक घोर तपस्या की। इस तरह चाक्षुष नामक छठे मन्वंतर के प्रारंभ में शिव के आशीर्वाद से दक्ष को पूर्व वैभव प्राप्त हो सका। हरे कृष्ण। देखिए तो कितनी जानकारी श्रील प्रभुपाद ने यहाँ गणित बताया है, और लोग कहते हैं कि सनातन धर्म अभी अभी आया। यही कैलकुलेशन करने जाएं तो इतिहास इतना पुराना है जिसका रिकॉर्ड भी लोगों के पास नहीं। जी, अध्याय का आखिरी श्लोक। यो जायमानः सर्वेषां तेजस तेजस्विनां रुचः स्वयोपादत्त दाक्षायच कर्मणां दक्षमब्रुवत् तं प्रजा सर्ग रक्षायाम अनादिर भेषिच युयोज युयुजेन्यांश्च वै सर्व प्रजापति। ओके, कौन पढ़ेगा? प्रतिभा माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। जन्म नमस्ते। लेने के बाद अपने अद्वितीय शारीरिक क्रांति के कारण दक्ष ने अपने सब की शारीरिक क्रांति को धक दिया, क्योंकि वह सकाम कार्य करने में अत्यंत पटु दक्ष था, इसलिए उनका नाम दक्ष पड़ा। इसलिए ब्रह्मा ने उसे जीवों को उत्पन्न करने तथा उनके पालन के कार्य उन्हें लगा दिए। समय आने पर दक्ष ने अन्य प्रजातियों को भी उत्पत्ति तथा पालन के कार्य में नियुक्त कर दिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। अनिकेत प्रभु तात्पर्य पढ़ो। तात्पर्य, दक्ष ब्रह्मा के समान शक्तिशाली बन गया, फलतः ब्रह्मा जी ने उसे प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए नियुक्त कर दिया। दक्ष अत्यंत प्रभावशाली एवं ऐश्वर्यवान था। दक्ष ने अपने काल में मरीचि आदि अन्य प्रजापतियों को नियुक्त किया। इस प्रकार ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत प्रचेताओं के कार्यकलाप नामक 30वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दक्ष का, उसका नाम दक्ष क्यों पड़ा था? क्योंकि वो प्रजनन और प्रजा की वृद्धि करने में दक्ष एक्सपर्ट। प्रभुपाद मेंशन्स एट अ प्लेस ही वाज एक्सपर्ट इन प्रोक्रिएशन। तो वो ब्रह्मांड की वृद्धि करने में जो है दक्ष था, इसलिए उसका नाम दक्ष पड़ा, प्रजापति दक्ष। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, मंतव्य, संशोधन या कुछ गलती सुधारने के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जी, परमेश्वरी माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु जी, ये जो दक्ष प्रजापति है, जो पहले दक्ष प्रजापति हुए उनसे मतलब इस सृष्टि का जो जनसंख्या वगैरह नहीं बढ़ी, इनसे ही वो आगे जो उनसे है हुआ। जी हाँ, उस समय माता जी क्या हुआ था, वो दक्ष प्रजापति, वो भी प्रजापति दक्ष ही थे, और वो भी जनसंख्या वृद्धि के लिए ही उनको नियुक्त किया गया था, क्योंकि वो ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र थे। ही वॉज डायरेक्ट सन ऑफ ब्रह्मा। तो उनका क्या हुआ था, उनका विवाह हुआ था प्रसूति के साथ, जो कर्दम मुनि की एक कन्या थी, नहीं सॉरी, स्वयंभू मनु मनु की एक कन्या थी। तो प्रसूति के साथ उनका विवाह हुआ, फिर उनकी बहुत सारी कन्याएं हुई, और कर्दमुनि की जो जो कन्याएं थी तो उनसे उनके जो भाई थे उन सबका विवाह हुआ। तो इस प्रकार से प्रजा की वृद्धि उस समय चल रही थी, तो ये भी वो कर रहे थे। लेकिन उस समय जैसा कि भागवतों में वर्णन आता है चतुर्थ स्कंद में, शिव जी को, भगवान शिव को इन्होंने अपराध किया, तो फिर ये अपने पद से इनका पतन हुआ और फिर ये वो सेवा नहीं कर पाए। तो वहां भी ये वही कर रहे थे, और इसलिए क्योंकि ये इन्होंने ब्रह्मा की जो है सेवा की थी और भगवान शिव की इन्होंने आराधना की, तपस्या की, चौथे पांचवे मन्वंतर तक, मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे पांच मन्वंतर तक तपस्या इन्होंने लगातार की। फिर भगवान शिव की कृपा से इनको सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, और फिर वापस छठवें मन्वंतर से ही अपनी सेवा में वापस लग जाते हैं। तो तब भी ये प्रजनन या जो है प्रजा की वृद्धि उस समय भी कर रहे थे। अभी वापस उन्होंने प्राचीनी परिषद, ये जो प्रजेता हैं, इनके पुत्र के रूप में वापस उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी। थैंक यू सो मच बच्चे। हरे कृष्ण जी। आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी। जी, प्रश्न थोड़ा सा मतलब टॉपिक से अलग है। मैं ऐसे पूछ रही थी बताइए कि बताइए। प्रभु जी हाँ हाँ बताइए।
जैसे हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा था, बाद में भी वर्णन आया कि तीन तरह के विष्णु होते हैं, महाविष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु और काणोदक्ष विष्णु। तो उसमें दो तो जैसे स्लीपिंग मोड में, जैसे मतलब विश्राम मुद्रा में रहते हैं दो विष्णु। तो मेरा प्रश्न ऐसे प्रभु, जैसे अभी चतुर्मास आ रहा है, तो भगवान ये जो मानव की जीवन काल गणना है उसमें ही चतुर्मास आता है, या ब्रह्मा जी के जीवन में भी चतुर्मास आता है? और फिर चतुर्मास की क्यों आवश्यकता है जब भगवान ऑलरेडी स्लीपिंग मोड मतलब ऐसे विश्राम मुद्रा में है? तो इसका ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी, चतुर्मास के क्यों है? हाँ जी, हाँ जी, काफी अच्छा प्रश्न। चतुर्मास में जब भगवान पहले से लेटे हुए हैं तो 4 महीने एक्स्ट्रा क्यों सोते हैं, और ये ब्रह्मा जी के उसमें आता है कि नहीं आता? वास्तव में जी ये मनुष्यों के लिए ये गणना करी गई है, मनुष्यों के लिए है, क्योंकि केवल भगवान उसमें सोते नहीं है। भगवान वो एक काल है जब भगवान देवताओं के आधिपत्य में ये सारा संसार रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान मतलब सो जाते हैं, और भगवान सो जाते हैं तो उस काल में जो भी होता है वो भगवान के निरीक्षण में नहीं होता है। नहीं, भगवान के सोने का अर्थ ये है कि भगवान देवताओं के आधिपत्य में या देवताओं के निरीक्षण में संसार को रखते हैं। भगवान का जो है सापेक्ष रूप से भगवान का निरीक्षण यहाँ पे नहीं रहता है। इसलिए उस समय को जो है चातुर्मास कहा जाता है। अलग अलग व्रत रखे जाते हैं उस समय, आध्यात्मिक प्रक्रिया ज्यादा करी जाती है, कोई शुभ कार्य उस समय नहीं होते। तो ये उसका मतलब है। सो गए मतलब ऐसा नहीं है भगवान वो अनंत शेष पर लेट गए, उनको कुछ दिख नहीं रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो ऐसा मतलब इट्स नॉट लिटरल, समझना ऐसा चाहिए कि भगवान का डायरेक्ट रूप से जगत पर निरीक्षण उनका नहीं रहता है। इसलिए बहुत सारे जो शुभ काम है वो चातुर्मास में नहीं करे जाते हैं। चातुर्मास जो है ज्यादा भजन कीर्तन या जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए माना जाता है, इस तरीके। तो जी लिटरल नहीं है वो, उसका डीप मीनिंग समझना चाहिए। तो प्रभु जी, फिर कैसे मतलब कौन से विष्णु सोते हैं? मतलब तीन हैं तो कौन से सोते हैं हाँ चतुर्मास जी, में? अच्छा प्रश्न है, कौन से सोते हैं? जी, तो हमारे जो ब्रह्मांड है, गर्भोदक्षायी विष्णु जो है वो हमारे ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देव, ठीक है नहीं? तो ये जो शयन, गर्भोदक्षायी हाँ गर्भोदक्षायी विष्णु, जो गर्भोदक सावत जिनकी नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं वो जी है ना। ओके, हरे जी कृष्ण जी थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। जी। गायत्री माता जी बताइए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कृष्ण 14 मनों में से अभी कौन सा मन अंतर चल रहा है? जी, वही तात्पर्य में आया। वैवस्वत मनु का ये काल है, वैवस्वत मन्वंतर अभी चल रहा है, जो कि विवस्वान के पुत्र हैं। सूर्य जो है भगवान विवस्वान, उनके पुत्र हैं वैवस्वत मनु। तो ये वो मन्वंतर चल रहा है, और उनका वैवस्वत मनु का 28वां चतुर्युग। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक हरे कृष्ण। यस अक्रूर प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन है भगवद गीता से लेकर के, कि जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो भगवान उनको आत्मा ज्ञान देते हैं, वर्ण ज्ञान देकर के बोलते हैं युद्ध करिए, आप क्षत्रिय हैं तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। तो प्रभु जी, वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं कि हम बाकी सब तो शिक्षा ले रहे हैं, पर जो वर्तमान परिस्थिति में धर्म की जो दुर्गति हो रही है, जिस तरीके से वो जो सब हो रहा है, तो इसमें क्या शास्त्र का ज्ञान या युद्ध उस तरीके से जरूरी नहीं है क्या? जी हाँ, अच्छा प्रश्न है। आजकल के समय के हिसाब से देखिए, पहले भगवान ने अर्जुन से युद्ध करवाया, जो हम ये चर्चा कर रहे हैं इस पर, तो बात सही है। लेकिन अब होता क्या है कि इसको हमें प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। अभी आजकल का जो समय है, आजकल का जो समय है, तो इसमें हम केवल जो असली युद्ध होता है कि बस लड़ना झगड़ना मारना पीटना, उससे समाज में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वह ये जो युद्ध है ये हर समाज के लोग कर सकते हैं, है कि नहीं? तो युद्ध एक शक्ति प्रदर्शन के जैसे होता था, तो हम वैसा युद्ध नहीं कर पाएंगे जैसा कि अर्जुन और कौरव पांडवों के बीच में हुआ था, क्योंकि वैसा समाज अभी और वैसा काल अभी नहीं। पहले जो क्षत्रिय राजा थे
वो किसी भी राज्य की कन्या को पसंद होने के अनुसार उसको भगा के ले जाते थे। अभी अगर किसी के साथ ऐसा हो गया तो FIR हो जाएगी, है कि नहीं? तो उस प्रकार से हम ऐसी चीजें अभी नहीं कर सकते। तो अभी अभी के समय में युद्ध क्या है? शक्तिशाली होना मतलब हमारे हमारी जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए और हमारे पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए, इसलिए प्रचार की बहुत आवश्यकता है। हर क्षेत्र में प्रचार की बहुत आवश्यकता है और हमें चाहिए। प्रचार की आवश्यकता है मतलब हर क्षेत्र में हमारे भक्त होने चाहिए, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन हो, इट कैन बी कॉरपोरेट, इट कैन बी एजुकेशन, एकेडमिक्स, है कि नहीं? हमारे प्रभु जी, माता जी, लड़के लड़कियां, हर जगह हमारे लोग होने चाहिए। इस प्रकार से हमें समाज के अंदर घुसना है कि नहीं? और जब हम ऐसा करेंगे तब फिर हमारा हर जगह हमारा प्रभाव रहेगा। तो फिर ये चीजें जैसा कि अभी घटना है बांग्लादेश में हुई, वो होना संभव नहीं है उस समय, है कि नहीं? तो इसके लिए हमें शक्ति प्रदर्शन हमारा क्या है, तो हम तलवार चलाना सीखेंगे इमरजेंसी के लिए। हाँ मान लीजिए सीख भी सकते हैं, लेकिन उससे हल नहीं निकलेगा, आजकल के समय में उससे हल नहीं निकलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, ज्यादा से ज्यादा, और प्रचार को भी एक बड़े तरीके से लेना कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा लड़कों को, लड़कियों को, सबको प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को करें, अपने बच्चों को करें, ज्यादा से ज्यादा उनको हमारे धर्म के विषय में ज्ञान दें, उनको हमारे शास्त्रों का ज्ञान दें, ठीक है? तो हम वो नहीं करते हैं, हम उनके बड़े होने का इंतजार करते हैं कि करियर बनने बन बन जाए और पढ़ लें, फिर देखेंगे बाद में। तो इस तरीके से हमारे लोग डरते हैं, डरते हैं मतलब डरपोक नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन में ही खुश रहते। तो हमें थोड़ा उस जो है कूप मंडूक मानसिकता से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा हमारे परिवार के अलावा समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ करना भी पड़ेगा, है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा स्कूल में हम बच्चों को प्रचार करें, युवाओं को प्रचार करें, है कि नहीं? हमारी जो लड़कियां हैं घरों में उनको हम प्रचार करें, जो लड़के हैं हमारे उनको प्रचार करें, क्योंकि ये सब नहीं जानते हैं, हमारे जो धर्म के सिद्धांत हैं वो ये लोग नहीं जानते, है कि नहीं? आपको मैं बताता हूं कि मतलब मैंने चौथी क्लास के बच्चे देखे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं, मतलब दूसरे धर्म की लड़कियां, चौथी क्लास में होने के बावजूद, चौथी क्लास में है, तीसरी चौथी क्लास में, और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास है कि हमारे बच्चे उनसे भिड़ जाएं तो वो उनको कन्वर्ट ही कर दे। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। सोचिए तीसरी चौथी क्लास की बच्ची में इतना ज्ञान कैसे आ सकता है, क्योंकि उनको दिया जा रहा है बचपन से, है कि नहीं? और हमारे यहाँ मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, वो मछली का मुंह बना के सेल्फी खींचते रहते हैं, उसी में खुश हैं कि यही मतलब बहुत अच्छा है कि नहीं? तो ये बोलने में काफी कठिन बातें हैं, अगर जब ये लोग सुनते हैं तो बोलते हैं कि आप हमेशा पीछे पड़े रहते हो लोगों को, लेकिन हम वैसा वैसी शिक्षा हमें देनी आनी चाहिए, वो हम नहीं देते हैं। तो उस प्रकार से हमें हर क्षेत्र में कार्यरत होना पड़ेगा, घर से प्रारंभ करके हम जहाँ काम करते हैं, हमारा जहाँ बिजनेस है, जहाँ हर हर फील्ड में हमारे भक्तों का प्रभाव होना चाहिए। और इस तरीके से धीरे धीरे फिर जो है भारत में भी क्या हो रहा है, प्रचार ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हर जगह इस कौन का प्रभाव है कि नहीं? इस तरीके से हमें और ज्यादा बढ़ाना है दूसरे देशों में भी हर जगह, तो वो विश्व स्तर पर सोचकर इसी स्थिति से हम उभर सकते हैं, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण जैसे पहले गुरुकुल में शस्त्र शास्त्र दोनों शिक्षा दी जाती थी, तो वो जी, सेल्फ डिफेंस के लिए भी जरूरी है कि शस्त्रों का शिक्षा भी होना चाहिए जैसे। और जहाँ हम देखते हैं कि सनातन धर्म में हम जहाँ पूरे ब्रह्मांड पे मतलब पूरे विश्व में कई राजा हुए हैं, जो पूरे ब्रह्मांड पे उनका राज्य था, महाराज युधिष्ठिर का हो या प्रच्युत का हो, जैसा जो आज हम सिमट करके मतलब भारत तक ही सीमित होते जा रहे हैं। तो ये स्थिति हम इंतजार करते हैं तब तक तो सनातन धर्म हो जाए संकट में नहीं आ जाएगा कोई भी। हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ, संकट में तब आएगा जब हम अभी वास्तविक में, वास्तविकता में हमें संस्कृति पर विजय प्राप्त करनी है,
है कि नहीं? और जैसा कि आप सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, तब वो हम सिखा सकते हैं बच्चों को, वो एक शिक्षा का पार्ट होना चाहिए। अभी शिक्षा का स्तर ऐसा है कि हाँ, लोग कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, सो कॉल्ड डेटा साइंटिस्ट लोग बन जाते हैं, डेटा रिसर्चर बन जाते हैं, दीपिका एंटरप्रेन्योर्स बहुत चीजें बन जाते हैं, शरीर में दम नहीं है, है कि नहीं? मौसम बदलता है तो बुखार आ जाता है, क्योंकि वैसी शिक्षाएं बचपन से नहीं दी जा रही, तो वैसी देनी चाहिए हमें। हमारे जो लड़के लड़कियां हैं, हमारे जो बालक हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्हें ये सब शिक्षाएं देनी चाहिए बचपन से। पहले दी जाती भी थी, मतलब मैंने तो व्यक्तिगत रूप से सीखी है, क्योंकि हमारे घर का बैकग्राउंड ऐसा था, सिखाते थे पहले से, हालांकि वो कुछ काम नहीं आ रहा, तो इस्कॉन के भक्त समाज में वो क्या ही सेल्फ डिफेंस का क्या ही काम आएगा। लेकिन यह है कि हमें सिखाना चाहिए, तो वो प्रशिक्षण हमें अगर स्कूल्स में नहीं मिल रहा है, स्कूल्स में तो बस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहे हैं, लेकिन तो बच्चा ना प्रोग्रामिंग सीख पाता है, ना अपनी भाषा ढंग से सीख पाता है, कोई सी लैंग्वेज नहीं आती उसको, ना बोलने वाली ना टाइप करने वाली। तो ये शिक्षा हमें घरों में देनी चाहिए, इसलिए हाँ, जब इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि अगर हमारा प्रचार बढ़ेगा तो ये सारी शिक्षाएं हम भक्तों को दे पाएंगे, है कि नहीं? जैसे हम प्रचार अभी करते हैं, तो जैसे लड़कियों की अलग क्लास होती है, उनको सिखाया जाता है किस प्रकार से उनको चरित्र का निर्माण करना है, यूथ की अलग डेवलपमेंट होती है, माता जी इसके लिए अलग होता है, फिर कॉमन भी सबका होता है, तो ये सब हमें जैसा जैसे हम प्रचार बढ़ाते जाएंगे, वो हमें ही व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हम सबके लिए प्रशिक्षण रखें, तो ये सब उसमें अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है ब्रो जी, हरे थैंक यू। कृष्ण होगा जी, प्रफुल प्रभु बताइए। तो हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। बंद जैसे अभी आपने आज भी बताया वो, और इससे पहले भी हमने प्रभुपाद के उसमें कई चीजों में हमने बार बार देखा कि हमको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए। पर अभी जैसे आजकल के एनवायरमेंट में हम देखते हैं तो आजकल तो हर चीज, मतलब हम लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हमको यदि ज्यादा एसी नहीं रहे तो हमको ज्यादा गर्मी लग जाती है, या बहुत सारी चीजें ऐसी हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट हो गई है। पर प्रभुपाद ने हमेशा इसको एम्फेसिस किया है कि हमको अपनी जरूरतों को कम रखना चाहिए और भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, भगवान के प्रति वो होना चाहिए। तो प्रभु आप लोगों के एक्सपीरियंस क्या रहे, जैसे आप डीलैंड में गए थे, या आप मतलब अपनी आवश्यकताओं को हम कैसे आप करते हुए यू सर्वाइव और दे, आपने कैसे वो किया तो हम लोगों के लिए भी कुछ ऐसा प्रेरणा मिले प्रभु। हाँ जी, देखिए ये एक बार का प्रोसेस नहीं है कि बस लेक्चर में सुन लिया तो हम सादा जीवन उच्च विचार एकदम अपना लेंगे। आप देख रहे हैं कि हम तो इस कलयुग के प्राणी हैं, महाराज प्राचीनी परिषद जैसे राजा वो कैसे सब कुछ त्याग कर जा सकते, उनके लिए क्यों संभव था? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बचपन से हर राजा का, राजा ब्राह्मण वैश्य जो भी हो, सबका गुरुकुल में प्रशिक्षण हुआ करता था, और उस प्रशिक्षण में उनको उस विरक्ति का अभ्यास किया कराया जाता था। वो तकलीफ होती थी उन लोगों, ऐसा नहीं है तो कोई राजा का पुत्र है उसको आश्रम में रख देंगे, उससे लकड़ी कटवाएंगे, उससे यज्ञ हवन कुंड बनवाएंगे, तो उसके लिए आसान नहीं है, वो राजमहल से आया, लेकिन वह प्रशिक्षण सबको दिया जाता था, वो राजा का पुत्र हो, ब्राह्मण का पुत्र हो, कुल गुरु का पुत्र हो, वैश्य समाज का हो, सबको। इससे और इस तपस्या से क्या होता है, इस प्रशिक्षण से धीरे धीरे विरक्ति की भावना आती थी। अब वो गृहस्थ आश्रम में भी जाएगा, किसी कन्या से विवाह करेगा, संतान उत्पत्ति करेगा, तो विरक्ति के भाव से ही करेगा कि यह कब, हमें कब छोड़ना है। तो इसलिए जब उसे पता है कि छोड़ना है, तो ऐसा नहीं है जब छोड़ना है तो इतना झंझट पालो ही क्यों, नहीं, वो जिम्मेदारी के रूप में अपने सारे कर्तव्य करेगा, हो सकता है सुख सुविधा भी बढ़ाए, लेकिन उसे पता है कि मुझे थोड़े समय के लिए इसकी जरूरत है, फिर उसके बाद फिर हमें चले वानप्रस्थ लेके चले जाना। तो ये प्रशिक्षण, श्रील प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि ये प्रशिक्षण आज के समाज में नहीं, इसलिए हम बचपन से पैदा होते से ही यह सोचते हुए बड़े होते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम में से कोई भी गुरुकुल पद्धति में नहीं पढ़ा है, हम में से किसी का भी लक्ष्य ये नहीं था कि हम मतलब भक्त बन जाएंगे, है कि नहीं? भक्त बन जाएंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, श्री राधानाथ स्वामी महाराज, श्री भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जैसे, जो भगवान की खोज में निकले, हम में से कोई वैसा नहीं था।
आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं, मुझे तो सबसे पहले प्रोग्राम में यही लाया गया था कि नहीं आपको साधु वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, आप पढ़ाई करिए, माला करिए, जब आपको आपकी एजुकेशन के बाद आपको कुछ लगे भी, आपको शादी भी करनी है, उसकी भी व्यवस्था इस्कॉन भक्त करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस भक्ति करो, है कि नहीं? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या था, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, है कि नहीं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, ये लैंग्वेज सीख ली, कहीं से एमएस कर लिया, फिर बस कहीं से अच्छी लड़की मिल जाएगी, फिर बस जीवन सफल, फिर हम अमेरिका चले जाएंगे, बड़ा घर ले लेंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो शिक्षा के माध्यम से हमें ये विरक्ति की भावना कभी नहीं आती। तो जब हमारा प्रशिक्षण होता है भक्ति में, तब हमें समझ में आता है कि वास्तव में शरीर की आवश्यकताएं बहुत कम है, और संसाधन जितने हम बढ़ाते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उससे हमारे शरीर का विनाश ही हो रहा है और समय का विनाश हो रहा है। इट इज वेस्टिंग अवर टाइम एंड एनर्जी एज प्रभुपाद सेज। तो वास्तव में हमारे शरीर की आवश्यकताएं बहुत कम है, इसका अभ्यास हमने कभी नहीं किया है कि नहीं? लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, तब हम देखते हैं, जैसे हम भी देख रहे हैं संडे को जब सारे भक्त आते हैं, तो अब बैठने के लिए जब हम घर पे रहते हैं तो भैया सोफा चाहिए, पंखा लगना चाहिए, लेकिन जब कहीं बैठने की जगह चाहिए, मैंने एक बार देखा था कुछ हमारे भक्त थे स्काई की माता जी, वहीं ऑफिस वाली सीढ़ी पर ही बैठ गए, वहीं बातें कर रहे हैं, वहीं चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अभ्यास नहीं है, लेकिन मजबूरी में कहीं जगह भी नहीं है, तो जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। तो धीरे धीरे ऐसा प्रशिक्षण होता है कि कम जरूरतों से हम हमारे आवश्यकताएं पूर्ण कर लेते हैं। जैसा प्रसाद मिले, ठीक है, सिंपल है, हर बार मतलब 1-2 साल तक कम से कम हमने वही संडे फीस में वही मेन्यू चलाया, फिर हमको लगा तो कृष्ण किशोर पूछा मैंने चर्चा की कि अरे कुछ बदल देते हैं, नहीं तो सब जो जो संडे को आते हैं सब गाली देंगे, एक ही मेन्यू खिला रहे हो बार बार, वही छोले, वही मिक्स वेज, चपाती सब्जी, चपाती दाल और राइस। लेकिन उसको करते करते क्या होता है, समझ में आ जाता है कि भोजन एक बहुत ही निम्न आवश्यकता है, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करना। मेन हम मंदिर किस लिए आ रहे हैं? भक्तों को संग करने, लेक्चर सुनने, कीर्तन के लिए। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से, सादे जीवन से प्रशिक्षण हमें मिलता जाता है कि जरूरतें हमारी बहुत कम। तो ये भक्तों के संग के माध्यम से, गुरु की प्रेरणा से और भक्तों के संग से, ये हमें धीरे धीरे, हमें इस चीज का साक्षात्कार धीरे धीरे आता है, तो हमारी जरूरतें धीरे धीरे कम होने लगेंगी। चलो, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहा करते थे कि जो गृहस्थ भक्त हैं, घरों में रह रहे हैं, उनके खर्चे वैसे ही आधे हो जाते हैं, क्योंकि संडे को मजबूरी में मंदिर आना है, कहीं घूमने नहीं जा सकते, तो वो पैसा बच रहा है कि नहीं? और घूमने जाएंगे तो कहीं कहीं वहां नहीं जाएंगे, मनाली मनाली वगैरह बीच बीच पे वहां नहा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो यात्रा में जाएंगे। तो वहां ऐसे करके हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अपने आप कम होती हैं, हमारी संपत्ति अपने आप बचती है, तो वो भक्तों के माध्यम से ही, इस प्रशिक्षण से ही संभव हो पाता है। तो हम जब वहां पे रहते थे तो स्थिति ही ऐसी थी, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन क्योंकि उद्देश्य क्या रहता है कि हमारे शरीर बुद्धि मन की जितनी भी शक्ति है वो भगवान की सेवा में लगानी है। अब ये कोई प्रभु जी हो या कोई माता जी हो या कोई छोटा बच्चा हो, छोटी बच्ची हो, सबका उद्देश्य यही है कि हमारे पास जो भी है, जितनी बुद्धि है, जितना मन है, शरीर में जितनी शक्ति है, वो सब भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। और जब उद्देश्य बड़ा होता है तो हम ये छोटी आवश्यकताएं हैं उस पर ज्यादा ध्यान वैसे ही नहीं देते, और उद्देश्य बड़ा तो चाहिए, हमें भक्तों के संग में आनंद इतना आता है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, प्रसाद वगैरह ठीक है जो था भक्तों के साथ हो रहा है तो उसमें आनंद है, बाकी अगर आप अकेले बैठ के भी रेस्टोरेंट में भी खाएंगे तो क्या ही आनंद है। इस प्रकार से तो हमें भक्तों के संग से आसक्ति होनी चाहिए, सबको, प्रभु जी को, माता जी को, सबको, लेकिन तो वो अगर हमें होगा, आवश्यकताएं अपने आप कम हो जाएंगी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निदाय गौर प्रेमानंद कपीश।